नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार गुप्ता। आप देख रहे हैं मेरे चैनल को, जिसका नाम है रेगुलर क्लासेस फॉर अकाउंट। सामने आपको दिख रही है कॉस्ट अकाउंट बुक स्वाति प्रकाशन से, और हिंदी एडिशन है ये, और चैप्टर चल रहा है 12, और इसका नाम है यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग मेथड, और क्वेश्चन नंबर 12 चलेगा। 12 चैप्टर का 12 ही क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो अच्छी बात है, ध्यान से सुनना समझना। तो ये कुछ अपने आप में अलग टाइप के क्वेश्चन है, बच्चा यहाँ देख के घबरा जाता है कि कैसे करना है, तो आपको घबराना नहीं है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अगर नए हैं तो ज़रूर करना है, पुराने हैं तो बढ़िया है, लाइक शेयर सब्सक्राइब सभी करना है, मैं बोलता रहता हूँ, लेकिन जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा वो एक बार चेक कर लें कि नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पे क्लिक किया या नहीं किया, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में कुछ लिखा है, पढ़ लेना उसे भी, क्योंकि अब ऐसे हालात है नहीं कि क्वेश्चन वीडियो बन पाए ज़्यादा ज़्यादा, तो देखो क्या होता है। तो क्वेश्चन पढ़ाते हैं, 12 क्वेश्चन। तो अब यहाँ देखते हैं क्या लिखा है इसमें। इसमें लिखा वैभव लिमिटेड इज़ द मैन्युफैक्चरर ऑफ अ टेबल फैन। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैव बीन गिवन इन कनेक्शन विद द फैक्ट्री ऑन 31 मार्च 2019 के लिए दे रखा है। चालू कार्य मतलब वर्क इन प्रोग्रेस के बारे में दे रखा है 2018 के लिए 1 अप्रैल से, और यहाँ पे वर्क इन प्रोग्रेस में दो आइटम के लिए दे रखा है, प्राइम कॉस्ट के लिए, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस के लिए। तो बच्चा यहाँ देख रहा था यार, इसको तो मैं करूँगा, इसको कहाँ करूँगा, है ना। तो ये दो ओपनिंग्स हैं वर्क इन प्रोग्रेस के, और ऐसी दो क्लोजिंग है वर्क इन प्रोग्रेस के। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दे रखा है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है, ये भी यूज़ कर लोगे आप। डायरेक्ट लेबर आपको पता है, एबनॉर्मल आईडी टाइप में तो आपको क्या करना है ये भी पता है, नहीं पता तो अभी वीडियो पूरा देखना। और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस दे रखा है आपको 52,000 का। ऑफिस एंड सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस दे रखा है, और ये बोला है ऑन द बेसिस ऑफ अबव डाटा प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग द कॉस्ट प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्शन, आल्सो इंडिकेट सेपरेटली द अमाउंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस विच एंटर इनटू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो ये मैं बताना है कितना कितना होके कहाँ कहाँ पहुँचेगा वो, ठीक है। तो करें क्वेश्चन को, स्क्रीनशॉट ले लो भाई बड़ा ऑफिस से, उम्मीद करता हूँ दिख रहा होगा क्वेश्चन, नहीं दिख रहा तो अब दिख रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन कराते हैं लाइन खींच के, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। 12 क्वेश्चन की लाइन हमने खींच ली है, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर्टिकुलर वगैरह से पूछ लिया है। तो स्टार्टिंग करने के लिए स्टॉक और रॉ मटेरियल चाहिए, हमें मिल गया 208,000, तो यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, तो ये है हमारे पास 208,000, फिर लिखेंगे परचेज और रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ढूंढते हैं कितना है। तो परचेज और रॉ मटेरियल आपको मिलेगा 312,000, ठीक है। और इसमें डायरेक्ट वो कैरिज इनवर्ड वगैरह नहीं दे रखा, ठीक है, ढूंढ लो अगर मिलता है तो, वैसे नहीं है इसमें। तो इसे प्लस करते हैं तो कितना आएगा अमाउंट, 520,000 के आसपास आएगा। फिर लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, अब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना दिख रहा है आपको, 182,000, और कितना आता है अमाउंट वो देखते हैं, 30 तो ऐसे लिखो, 10 में से 2 गए 8, और यहाँ बचेंगे आपके पास 11 में से 8 गए 3, और यहाँ 4 में से गया 3, 338,000 आ जाएगा, ठीक है। इसी को हम बोलेंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम। रॉ मटेरियल कंज्यूम आने के बाद हमें देखना है डायरेक्ट वेजेस वगैरह कुछ लिखा नहीं, लिखा डायरेक्ट लेबर लिखा है 145,600, तो यहाँ लिखते हैं डायरेक्ट लेबर, लेबर और वेजेस एक ही चीज़ होती है, ठीक है। कितनी अमाउंट है, 145,600, और इसमें आइडियल टाइम का भी दे रखा है,
15,600 तो माइनस कर दो, एबनॉर्मल आइडियल टाइम 15,600, तो 1,30,000 के आसपास आएगा। इसमें बताओ कोई दिक्कत है कि नहीं है, तो इसे प्लस करते हैं तो ये आएगा 0008334, ये आ गया। अब इसमें हमारे पास वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर प्राइम कॉस्ट का भी नाम है और मैन्युफैक्चरिंग है। अभी प्राइम कॉस्ट निकाल रहे हैं, निकल ही नहीं है फिलहाल, उसी चक्कर में लगे हुए हैं, तो उसका वर्क इन प्रोग्रेस भी दे रखा ओपनिंग क्लोजिंग, तो वो भी लिखते हैं। तो कैसे लिखेंगे, एड ओपनिंग बैलेंस और WIP, ओपनिंग बैलेंस ऑफ WIP, और ये कौन सा है, प्राइम कॉस्ट वाला, तो प्राइम कॉस्ट का 52,000 है, तो 52,000 लिख के जोड़ दो, तो 0 0 0 10 6 5 11 1 12 और 5, 5,20,000 रहेगा। फिर लेस कर दो, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ WIP, वो भी कौन सा वाला, प्राइम कॉस्ट वाला, तो 39,000 माइनस करोगे तो कितना आएगा, अगर तुम 40 माइनस करते तो 480 आता, तो अभी 481 आएगा, ऐसे करके घटा लिया करो। अब कह सकते हो तुम्हारा प्राइम कॉस्ट आ गया, प्राइम कॉस्ट आ गया ए पॉइंट वाला। अब आपको क्या लिखना है, खर्चे लिखना है आपको, फैक्ट्री वाले खर्चे कुछ अगर दिखाई देते हैं देखो जरा, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस रिलेटेड तो है क्या मैन्युफैक्चरिंग, हाँ मैन्युफैक्चरिंग है 52,000 रुपये, ठीक है, तो लिखो मैन्युफैक्चरिंग बावन हजार रुपये। अब अंदर लिखा है आइटम तो और भी है इस पर, वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग क्लोजिंग है, लेकिन उसके अमाउंट पे ध्यान दो, 13,010,400 छोटी अमाउंट ही, ऐसे मिली तो एड ओपनिंग बैलेंस ऑफ WIP, वही मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड वाला 13,000, तो ये 65,000 हो जाएगा, फिर माइनस करें, ठीक है, कितना माइनस होगा, ऊपर नाम लिख दो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ WIP, ठीक है WIP लिखा, कितना दे रखा इसमें 10,400, 10,400 माइनस करके फिर बाहर लिखना है, तो 0 0 6 तो ये आ जाएगा, फिर 4 बचेगा, 4 आएगा, और इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है 54,600 आ गया। अब इसने प्लस कर लो, क्योंकि प्लस वाले आइटम नॉर्मल सॉल्व जो के हो गया है, तो कितना आता है 0 0 6 5 8 5 13 की 3 और 5, 5,35,600। अब ये है वर्क कॉस्ट, वर्क्स कॉस्ट बी हेडिंग आ गई, यहाँ तक क्लियर। अब इसके बाद हमें लिखना है वर्क कॉस्ट का कौन से खर्चे दे रखे हैं, हम ऑफिस खर्चे हैं क्या, देखो ऑफिस के तो नहीं है, इकट्ठा ही दे रखा है ऑफिस सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, चलो लिख देते से, तो इकट्ठा है तो फिर अगली जो हेडिंग होगी वो थोड़ी अलग होगी, तो लिखते हैं ऑफिस सेलिंग और एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 36,400। अब सोचो वर्क कॉस्ट में ऑफिस वाले जोड़ता तो क्या निकलता, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फिर ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स वगैरह सॉल्व करता तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सॉल्व आता, फिर इसमें से सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जोड़ता तो कॉस्ट ऑफ सेल, अब ये लास्ट में जो आएगा वो कॉस्ट ऑफ सेल ही आएगा, और सेल्स वगैरह कुछ देने रखे जो प्रॉफिट वगैरह निकाल पाऊँ, तो बस इसे जोड़ते हैं 0 0 0 5 6 11 और एक इसमें जोड़ेंगे 12 3 3 6
एक सात, ये पाँच, 5,72,000 आ गया। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स ही बोल रही है इसे, ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल्स तो 5,72,000 आ गया, आंसर हमारा आ चुका है। बताओ बच्चों कमेंट करके, पल्ले पड़ा नहीं पड़ा, समझ में आया नहीं आया, समझ में आया तो इसे शेयर जरूर करना अपने दोस्तों में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, ख्याल रखो, पढ़ाई करते रहो अच्छे से।